अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। अगला लफ्ज है फैसला। फैसला देखिए, फै फे जमा ये फै सला। अब ये देखिए, पढ़ते वक्त बस इसको खास, क्योंकि हमारे बोलने में वाजे नहीं होता ये आए में, तो ये ऐसा होता है कि बहुत से हमारे अल्फाज अरबी के आए हैं, लेकिन अरबी में तो पूरी पूरी वो जहां से निकलना चाहिए वो वहीं से निकलता है, लेकिन हम उर्दू में इस तरह नहीं बोलते। ऐसे देख, फैसला, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सीन बोल रही हूं, लेकिन ये है स्वाद यहाँ पे। तो ये आपको पढ़ते वक्त ध्यान रखना है, अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि ये स्वाद है या सीन है, ये खुद ध्यान रखना है। फैसला, ठीक है। अब मैं कोशिश तो कर रही हूं कि स्वाद करके पढ़ूं, लेकिन क्योंकि हमारी आम रोजाना की बोलचाल में हम इस तरह नहीं बोलते तो जरा दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए कि याद रखना होगा फैसला। आप देखिए, स्वाद आ गया, लाम आ गया, फैसला, हे आ गया। अब ये भी फैसला जल्दी से बोल देते तो ऐसा लग रहा है जैसे अलिफ आ रहा है, लेकिन अलिफ नहीं आता। ये थोड़ा सा जब आप वही के वही तोड़ तोड़ के देख लेंगे ना तो आपको याद रहेगा, सही है। अच्छा, अब इसे जोड़ना कैसे है, अब देखिए इसमें कोई भी शरारती हुर्फ नहीं है। शरारती हुर्फ है हमारे पास अलिफ दाल डाल जाल रे रे जे ये वाव, लेकिन इसमें कोई भी शरारती हुर्फ नहीं है, यानी ये सब आपस में मिल जाएंगे। फे की टूटी हुई शक्ल ये की टूटी हुई शक्ल ये, स्वाद की टूटी हुई शक्ल ये, लाम की टूटी हुई शक्ल ये, और हे की टूटी हुई शक्ल जब आखिर में आती है तो ये। आप देखिए इन सबको जोड़ दें, फे, ठीक है, और यहाँ स्वाद जोड़ दें, और फिर यहाँ लाम जोड़ दें, और इसके साथ ये टूटा हुआ हे जोड़ दें। फैसला, फे। अब आइए, आपकी राइटिंग के ऊपर है कि आप कैसा खूबसूरत से खूबसूरत करके लिखते हैं। ये देखिए फैसला। अब राइटिंग अच्छी कीजिए, ये तो मैंने आपको उस तरह बताया था ना, लेकिन अच्छी राइटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए फैसला, अगला लफ्ज है आपका कश्ती। कश्ती, अब देखिए जब आप हिज्जे कर आप जब बोल रहे हैं ना, उसी में आपको पता चलना चाहिए इसमें आ रहा है कोई उच्चारते और नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है सारे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। कश्ती, कश्ती, और मैंने कहा छोटी ये जब आखिर में आती है तो अपनी शक्ल यही रखती है, बड़ी और छोटी ये जब आखिर में आते हैं ये तो ये अपनी शक्ल वही रखते हैं, ठीक है। आप देखिए कश्ती, ये सब आपस में मिलेंगे क्योंकि कोई शरारती हुर्फ नहीं है। काफ की टूटी हुई शक्ल ये, शीन की टूटी हुई शक्ल ये, तीन शोशे, ते की टूटी हुई शक्ल ये, और ये तो आखिर में ये इसी शक्ल में आएगी। अब जरा मैं इसे यहीं के यहीं जोड़ूं, अगर लेकिन ये इतने लंबे लंबे नहीं जुड़ेंगे, मैंने तो आपको समझाने के लिए जोड़ा। ये देखिए कश, और ये ती, कश्ती। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास लफ्ज है हुक्म, हे काफ मीम। कोई शरारती हुर्फ है इसमें? नहीं है, इसका मतलब है ये सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। काफ जब मीम से जुड़ता है तो हमेशा मीम के ऊपर लगता है, ये देखिए मीम है ना, इसके ऊपर यहां कहीं काफ लगेगा, ठीक है। और अब हे भी इसके साथ जोड़ना है तो हे यानी यूं करके इसमें जुड़ेगा, ये देखिए। अब इसे आप खूबसूरती से कैसे जोड़ेंगे, ये हे, ये काफ और ये मीम, ये देखिए हुक्म, सही है हुक्म। अब हुक्म नहीं होगा, हे को अलग पढ़ेंगे, हुक्म ऐसे पढ़ेंगे हुक्म, लेकिन क्योंकि कोई शरारती हुर्फ नहीं है इसलिए हालांकि पढ़ा जा रहा है ऐसे जैसे अलग हो, ये है हुकुम, ऐसे पढ़ा जा रहा है।
लेकिन क्योंकि कोई शरारती हुर्फ नहीं है, इसके सारी आवाजें इसकी मिल जाएंगी, यानी इसके सारे हुर्फ मिल जाएंगे। बगैर बगैर ब गैर गैर रे पे आवाज खत्म हो रही है, बगैर। आप देखिए रे जो है वो शरारती हुर्फ है, ये अपने से आगे से नहीं जुड़ेगा लेकिन अपने पीछे वाले से जुड़ जाएगा, और इसमें कोई शरारती हुर्फ नहीं है, तो यानी कि ये इससे और ये इससे, ये सब एक दूसरे से जुड़ेंगे, सब एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब ये की टूटी हुई शक्ल ये होती है, और गैन जब बीच में आता है ना तो इसकी टूटी हुई शक्ल ये होती है, ये ऐसे लग तो खैर आए, अभी जब मैं जोड़ूंगी ना फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए बे, अब गैन देखी यूं आके ये और ये। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे यहां ये का शोषा क्यों नहीं आया, ये का शोषा यूं नहीं आया कि जब ये बड़ी ये या ये छोटी ये रे से मिलती है तो इसका शोषा गिर जाता है, इसका शोषा गिर जाता है का मतलब हट जाता है, नहीं रहता, बल्कि जो भी हुर्फ होता है उसके साथ डारे की यूं करके मिल जाता है और नीचे लेकिन नुक्ते आ जाते हैं। अब यहां इसका लगा देंगे हो गया बगैर बगैर, ठीक है। जैसे हम तीर अगर लिख रहे हैं तो देखिए तीर की हिज्जे जो होगी वो क्या होगी, ते छोटी ये और रे, रे शरारती हुर्फ है, पीछे वाले से मिलेगा और ये इससे मिल जाएगा। अब यानी अगर हम लिखते तो तीर को हमें यूं लिखना चाहिए था, ते ये और फिर रे, है ना, लेकिन ऐसे नहीं लिखते इसे, इसे लिखते ते का आया लेकिन ये का शोषण बीच में नहीं आएगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह अगर बीच है, बीच ये आपकी किताब में भी मौजूद है, बीच बे छोटी ये अच्छे बीच, अब इसमें क्या होगा, अब ये गिर जाएगा, यानी ये देखिए ये जो ये पहाड़ी सी बन गई ना, ये एक्चुअल ये को जाहिर कर रही है बीच, यहां ये शोषा नहीं बनाएंगे, ये शोषा गलत होगा, ये देखिए ये पहाड़ी सी जो बनाएंगे हे बनाने के लिए ना, ये शो कर रही है आपकी ये को बीच। इसी तरह एक और लफ्ज है हमारे पास चीख, चे टूटी हुई शक्ल लिख रही हूं, चीख ये और खे तो आखिर में आ रहा है तो लिहाजा इसकी पूरी शक्ल आएगी, ठीक है। अब इसे मिलाती हूं मैं, ये का शोषा गिर जाएगा, देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए, हे बनाने के लिए जो आप ये पहाड़ी बनाएंगे ना, इसके नीचे आप शोषे लगा देंगे, उसको कहेंगे हम कि ये है, लेकिन शोषा नहीं बनाते। अब और भी इसमें आपके पूरे चैप्टर में बहुत सारे लफ्ज हैं, अब आपने वो खुद प्रैक्टिस करने हैं। मैंने आपको बेसिक बात, अब आप वन क्लास के बच्चे तो नहीं है ना, मैं पूरा चैप्टर के आपको, ये तो मुझे इसी तरह एक घंटा लग जाएगा, तो फिर आप ही उगता जाएंगे, लेकिन मैंने आपको टेक्निक बता दी, आपने ये याद कर लेने, और ये वाला रूल ये याद कर लेना, ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, पीछे पीछे के चैप्टर में है ये रूल, खुद देखा करें ना, इल्म हासिल करने की किया करें, जहां से भी इल्म मिल जाए, सही है। अब इसके बाद हम चैप्टर पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्लास थर्ड के सवालात के जवाबात हैं। अब आप हर सवाल, जैसे सवाल नंबर एक है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे, अब किताब से आप सवाल उतारेंगे और उसका जवाब फिर यहाँ से लिखेंगे,
इस तरह ये सारे सवालात आप यहाँ से देख के करेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 4 है, मुंदरजा ज़ैल अल्फाज के जुमले बनाइए। अब ये जुमले मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन आपने ये जुमले नहीं उतारने। जुमला उसे कहते हैं कि जो भी आपको लफ्ज़ दिया हुआ है वो एज इट इज़ उसी तरह बिल्कुल उस जुमले में आ रहा हो। जैसे पहला लफ्ज़ है यहाँ पर सज़ा, बुरे काम करने की सज़ा कभी ना कभी मिलती है। अब देखें सज़ा का लफ्ज़ जिस तरह है उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे आया है, इस तरह आपने जुमले बनाने। जैसे दूसरा लफ्ज़ है जंगल, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। मजाक, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कश्ती, मुझे कश्ती की सैर का बहुत मज़ा आता है। बारिश के बाद हर तरफ हरियाली हो जाती है, पहाड़, इस पहाड़ के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। अब इसी तरह आप अपने जुमले बनाइएगा, ये जुमले आपने उतारने नहीं हैं, आपने पूरे पूरे अपने जुमले बनाने। जैसे मैं एक बारिश का जुमला बताती हूँ, मैं कल बारिश में नहाई। आप देखेंगे इसमें बारिश का लफ्ज़ एज इट इज़ आ गया ना, जिस तरह बारिश लिखा हुआ, इस तरह आपने ये तमाम जो है आपने इन तमाम अल्फाज के खुद जुमले बनाने हैं। और बना के पहले घर में किसी को रफ पे बना के चेक करवाइएगा, फिर अपनी कॉपी पे उतारिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 5 आपको किताब में ही करना है। मुंदरजा ज़ैल अल्फाज को अल्फबाई तरतीब, हुर्फ तहजी की तरतीब, जिसे आप इंग्लिश के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं, के मुताबिक दी गई जगहों में लिखिए। अब देखिए पहला लफ्ज़ है सीन। अब किससे शुरू हो रहा है ये लफ्ज़? सीन से। आप इसे अलहदा से अपनी रफ कॉपी में कर लीजिएगा, सीन से शुरू हो रहा है। दूसरा लफ्ज़ है गिज़ा, किससे शुरू हो रहा है? गैन से। तीसरा लफ्ज़ है पालतू, किससे शुरू हो रहा है? पे से। चौथा लफ्ज़ है जंगली, किससे शुरू हो रहा है? जीन से। फिर उसके बाद है टांगे, टांगे किससे शुरू हो रहा है? टे से। फिर है नोकीले, नोकीले किससे शुरू हो रहा है? नून से। फिर रफ्तार, रफ्तार किससे शुरू हो रहा है? रे से। और ख़तरनाक किससे शुरू हो रहा है? खे से। अब देखिए जब आप अलिफ बे पढ़ते हैं तो अलिफ बे में इन सिर्फ ये जो आपने हुर्फ निकाले हैं, इन हुर्फ में सबसे पहले कौन सा आता है जब अलिफ बे लिख रहे होते हैं? पे आता है, तो इसलिए पालतू सबसे पहले लिखा जाएगा। अब पे के बाद बताइए कौन सा आता है इसके अंदर? टे आता है, तो टे यानी टांगे फिर दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब वो लफ्ज जो आपके पास हुर्फ तहजी में तो है लेकिन यहां से यहां उसका कोई लफ्ज नहीं है, तो लिहाजा उसका तस्करा नहीं है। जिन हुर्फ के अल्फाज यहां लिखे हुए हैं उसको आपने तरतीब देना है। जैसे पालतू, पालतू के बाद टांगे। अब बताइए टे के बाद कौन सा हुर्फ है इसमें जो हुर्फ तहजी में आपके पास आता है? जीम आता है। ठीक, तो फिर यानी जंगली। और फिर जंगली के बाद कौन सा हुर्फ है जो आता है? जीम के बाद आता है खे, है ना। खे का अब जीम के बाद जीम चे हे खे, तो जीम चे चे हे इसका कोई लफ्ज ही नहीं है यहाँ पे, लिहाजा खे तो है तो खतरनाक आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? खे के बाद क्या आएगा? अब ये तरतीब आपने खुद यहाँ पे जो नीचे खाली जगह दे रखी है इसमें आपने खुद समझ के करनी है। ठीक, देखिए इसके बाद सवाल नंबर 6, दिए गए रंगीन अल्फाज की, रंगीन यानी हरे रंग से दिया हुआ है, अल्फाज की जमा बनाकर जुमले दोबारा लिखिए। अब पहले आप सेम यही सवाल उतारेंगे, उसके बाद उसका पहला उतारेंगे, कुछ ही लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनी। अब देखिए बात ये वाहिद है, अब लेकिन जब इसकी जमा लिखेंगे तो क्या होगा? बातें, सुनी, सुनी नहीं होगा फिर सुनी होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बहुत साल तक उनकी कोशिश कामयाब ना हुई, तो अब बहुत साल, साल की जमा क्या होती है? सालों, यानी बहुत सालों तक उनकी कोशिश, अब सालों तक की है ना तो क्या होगा? कोशिशें कामयाब ना हुई। ठीक है, इसी तरह बाकी के आप खुद करेंगे। अब उसके बाद सफा नंबर 12 के ऊपर सवाल नंबर 7, ये आपने कॉपी पे नहीं करना, इसे बुक से ही याद कीजिएगा, पेपर में आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 8 को जानवरों के बच्चों के नाम उनके नामों से मिलाइए और कॉपी में खुशखत नकल कीजिए। इसको आपने कॉपी में उतारना भी है और यहाँ पर भी मिला के इसको चेक करवाना है। सफा नंबर 10 के ऊपर सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। ये आप बुक पर ही करके लेके आएंगे।